हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ये जो नया साल है आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा खुशियां लेके आए, और जो भी लोग जो है जिस भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चाहे जो भी यूनिवर्सिटी हो एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि वो अपना नेक्स्ट ईयर यानी कि 2020 उसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में मनाए जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसी हम भगवान से आशा करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 2019 जो स्टार्ट हो चुका है, और आप लोग जो है 2018 को भूल जाइए, उसमें क्या हुआ था क्या नहीं, और नए तरीके से नए साल की स्टार्टिंग कीजिए। और मैं आप माफ़ी चाहता हूँ कि मैं जो है कल ही ऑनलाइन आना चाह रहा था, पर जो है पता नहीं क्या हुआ अपने इस यूट्यूब चैनल के एप्लीकेशन के अंदर, मैंने इसको चेक किया तो कोई परमिशन मांग रहा है, लेकिन वो परमिशन हम लोगों से अलाउ नहीं हो रही है। काफ़ी कोशिश की, जैसे ही एप्लीकेशन में जाते हैं तो वो परमिशन ही वहाँ शो नहीं करती है। तो मैं आप लोगों से यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प चाहता हूँ। मैं ज़रूर से जो है आप लोग कम्युनिटी टैब में मैं उस पिक को जो है इस स्क्रीनशॉट को पोस्ट करूँगा, तो आप लोग वहाँ पे जाके मुझे बताइएगा ज़रूर कि वो क्या प्रॉब्लम आ रही है, ताकि जो है हम ऑनलाइन आ सके। और दोस्तों गुड न्यूज़ ये है कि आपके PhD के एडमिशन जो है उसके लिए एडवर्टाइजमेंट जारी हो चुका है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने PhD एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया है, तो आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो एडवर्टाइजमेंट PhD के लिए जो निकला है, वो आप जाके चेक कर सकते हो। जी हाँ, मैं फिर से आपको बता दूँ, केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए PhD के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है, तो उसमें आप जो है देख सकते हो। और उसमें जो है उन लोगों के लिए भी बेनिफिट है जिनका नेट GRF क्लियर हो रखा है, तो उनका शायद इंटरव्यू के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन होगा उसके अंदर। और ये तो जो सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही होता है, बस वही कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर। और मैं MA वालों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है, मतलब जो सिलेबस के लिए बोल रहे हैं, सिलेबस एक बहुत बड़ा मैटर हो गया है उन लोगों के लिए। तो मैं ये बताता हूँ आपको यहाँ पे, जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, जैसे आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, तो जो सिलेबस आपने ग्रेजुएशन के अंदर कवर किया है वही सिलेबस आपके MA एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है, तो वही सिलेबस आता है। कुछ केसेस के अंदर हो जाता है, जैसे पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाती है, जैसे ग्रेजुएशन के अंदर जो है वो सारी चीज़ें पॉलिटिकल साइंस के अंदर कवर नहीं हो पाती है, इसलिए उसके अंदर थोड़ा आपसे मैटर पूछ लिया जाता है। और इस बार आपके जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही यहाँ पे हो रहे हैं, और जो एजेंसी करवाने वाली है वो है NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और मैंने आपके लिए इस पर एक वीडियो बनाया था, जो लोग फर्स्ट टाइम जो मतलब ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऑनलाइन ये एग्ज़ाम होगा, तो वो लोग जो है मेरा एक वीडियो मैंने बनाया था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो वेबसाइट है उस पे, और एक मॉक टेस्ट के लिए भी मैंने उस पे वीडियो बनाया था, तो वो लोग उस वीडियो को ज़रूर से देखे। जिन लोगों को कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर से जाके देखे, मैंने उस वीडियो में काफ़ी अच्छे से बताया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पे जाके मॉक टेस्ट मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपकी क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपका NTA अगर एग्ज़ाम करवाती है तो NTA की वेबसाइट पे आप जाके वैसे मॉक टेस्ट कर सकते हो, तो आप उस वीडियो को ज़रूर से देख लेना, और उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हो। तो बस यही कुछ है दोस्तों, ये नया साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा हो, और आप PhD के लिए ज़रूर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देखें, और कोशिश करेंगे अगर आपके जो भी सवाल है हम नेक्स्ट लाइव आने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बताया, आप वहाँ पे जाके चेक कीजिएगा उस स्क्रीनशॉट को, मैं अपने कम्युनिटी टीम में उसको पोस्ट कर रहा हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है मुझे ज़रूर से बताइएगा, ताकि मैं लाइव आ सकूँ और आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। तो बस यही कुछ है दोस्तों, आखिर मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।